यार गाइस, बाहुबली 2 मूवीज हम सभी ने देखी है और उसमें इस तरह के कुछ गोला लॉन्चर को भी ज़रूर देखा होगा गाइस। तो हमने भी ट्राई किया है कुछ उसी तरह के गोला लॉन्चर को, या फिर कहूँ पत्थर लॉन्चर को बनाने की। तो चलिए गाइस, इसकी टेस्टिंग करते हैं। Guys, 1, 2, and 3. ओ यार गाइस, देखते हैं बॉल कितनी दूर गई है। तो यार गाइस, कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं, लगभग 30-40 फुट दूर आई होगी। लेकिन आप जानते ही हैं, जो फिल्मों में होता है वो रियल में नहीं होता है। फिल्मों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है इसे बनाने में। काफ़ी हद तक उसी तरह का ये बन गया। इससे यार अगर पत्थर फेंका जाए तो वो तो यार यहीं गिर जाएगा। और इस लॉन्चर की क्या हालत होगी यार, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यार इसे बनाते बनाते इतना तो समझ आ गया कि इसे और बड़ा बनाया जाए तो ये यहाँ नहीं, इस खेत को भी पार कर जाएगा, या फिर कहूँ काफ़ी दूर चला जाएगा। यानी ये जुगाड़ काफ़ी हद तक वर्क करेगा। इसे हम एक गुलेल भी कह सकते हैं। देखो यार, क्या करना पड़ेगा हमें, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और ये हैं इसके ये वाले दोनों डंडे, इसे बिल्कुल नीचे और लंबा, इसे जितना लंबा ये डंडे होंगे इसके और ये होगा, उतनी अच्छी तरह ये वर्क करेगा, या फिर कहूँ उतनी दूर गोले को फेंकेगा। तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इस बॉल के साथ। तो यार लगभग सेम डिस्टेंस पर गई, 40-50 फिट दूर गई होगी। अब ट्राई करके देखते हैं गाइस इस छोटी बॉल के साथ। और गाइस आप इसे पत्थर समझ सकते हैं, इस तरबूज को। इसे ट्राई करते हैं कि ये इस लॉन्चर से कितनी दूर जाता है। तो यार अब ट्राई करते हैं इस पूरे बाहुबली को, यानी के पत्थर समझ लो यार। एंड 3। तो भाई हमारा तरबूज पका तो निकला, लेकिन फूट गया। लगभग ये 10-15 फीट दूर गिरा आकर। अब यार कमेंट करके बताओ आपको ये बाहुबली 2 का लॉन्चर कैसा लगा। यार जितना हम एक्साइटेड थे इसे लेकर, इसे बनाने को लेकर, उतना अच्छा तो वर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी यार जितना ये छोटा बना है उसके हिसाब से इसने अच्छे से वर्क किया। लेकिन फिर भी गाइस हमारे अंदर अभी भी एक्साइटमेंट है कि इसे और बड़ा बनाया जाए। अगर आप कमेंट में कहोगे तो हम इसे सच में काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाइस इसके बारे में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने एफर्ट तो किया है यार, पूरा दिन गुजर गया यार इसे बनाने में और अब शाम हो चुकी है। तो यार वीडियो को लाइक शेयर करना तो ज़रूर से बनता है, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना
बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।